वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब राजनीति में कदम रखा था तब उन्हें भाषणबाजी में कमजोर माना जाता था। यही वजह है कि उनकी सभाओं में कभी जनेश्वर मिश्रा तो कभी आजम खान की मौजूदगी हमेशा रहती थी। मगर वक्त के साथ साथ सभा के टीपू जब सुल्तान बने तो उनके भाषणों में जान आ गई, जो विरोधियों को धराशायी करने के लिए काफी थी। ऐसे ही तीन खास मौकों को हम आपके लिए समेट कर लाए हैं, जब अखिलेश ने अपने भाषण से बीजेपी के तीन बड़े स्तंभ पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और यूपी के सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। शेर और शायरी के जरिए पीएम मोदी पर करारा कटाक्ष करते रहे और बीजेपी वाले देखते रहे। दरअसल अखिलेश जब भाषण देने उठ रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने उन पर तंज कसते हुए एक शेर बोल दिया। जवाब में अखिलेश ने न सिर्फ उस शेर को पूरा किया बल्कि उसकी धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी चतुराई से मोड़ दी। सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होता हूँ तो कोई न कोई शेर जरूर पड़ता है, दो लाइनें जरूर पड़ता है। पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ तब भी दो लाइनें किसी ने पढ़ी, सामान्य सदस्य ने। सभापति महोदय, आज भी मैं खड़ा हो रहा था, उससे पहले दो लाइनें बोली गईं। मैं उन दो लाइनों के आगे अपनी दो लाइनें जोड़ देता हूं, और वही देश की राजनीति है, वही रास्ता जो आज सत्ता में लोग हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं उनके साथ अपनी दो लाइनें जोड़ता हूं कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। सभापति महोदय, ये जो हमारे सामने सत्ता में बैठे हैं वो समझ गए। अगस्त 2019, लोकसभा में जोरदार बहस हो रही थी। मुद्दा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति का। इस दौरान गृह मंत्री शाह की बात अखिलेश को चुभ गई और जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने अकबर, बीरबल और बैंगन की कहानी सुनाते हुए बीजेपी के चाणक्य पर कैसा हमला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहाँ, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ आकर, बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम, जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो। तो बीरबल झुक करके कहा, बादशाह
मैं कोई बैगुन की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूँ। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूँगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूँगा। पंद्रह मार्च 2021 पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश ने यूपी में अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी सूबे के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला, और वो भी योगी के ही अंदाज में। दरअसल उससे कुछ दिन पहले ही योगी ने विधानसभा में बोलते हुए एक ढाई साल के बच्चे का उदाहरण दिया और बताने की कोशिश की कि सपा और बीजेपी के शासनकाल में गुंडागर्दी और माफिया राज का क्या अंतर है। अखिलेश ने उसी ढाई साल के बच्चे को जरिया बनाकर योगी पर जवाबी हमला कर डाला। अभी विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक ढाई साल का बच्चा था, एक ढाई साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी ढाई साल के बच्चे से मिले और ढाई साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी ढाई साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना, और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस ढाई साल के बच्चे से कि कौन क्या है, वो ढाई साल का बच्चा बता देगा। बताओ, ढाई साल का बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? इसके अलावा जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अखिलेश की सांसद पत्नी डिंपल यादव के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी अखिलेश ने अपना रौद्र रूप भाषण के जरिए दिखा दिया था। टीपू के इस अंदाज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।